नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल सियाराम स्टॉक्स में। डीसीएम नोवेल लिमिटेड, डीसीएम ग्रुप के बारे में तो क्या ही कहें, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लीडिंग बिजनेस ग्रुप है इंडिया की और उनकी ग्रुप कंपनी है ये। और बेसिकली डीसीएम नोवेल एक न्यू कंपनी है और 16 जुलाई 2019 में ये लिस्टेड हुई थी और कॉटन की एक गजब की कंपनी है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर है कॉटन कार्डेड की। और ये ऊपर के लेवल से अच्छा खासा नीचे आ गई है, ये 386 जो इसका 52 वीक हाई है उससे अब 200 के लेवल से भी ये नीचे आ गई है और इसके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए अट्रैक्टिव लग रही है। दोस्तों एक बात समझ में आएगी, बस वीडियो को पूरा देखना और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है डीसीएम नोवेल लिमिटेड और कंपनी NSE रजिस्टर्ड है, जिसका करंट प्राइस अभी 199 रुपये, जो 200 रुपये से नीचे का लेवल हमें अभी देखने को मिल रहा है। उसके बाद आज की बात करें तो देखो, कंपनी जो लिस्टेड हुई थी, कंपनी माफ कीजिएगा ओपन हुई थी, वो हुई थी 191 रुपये पर शेयर और 199 का इसने आज हाई लगाया और 191 का इसने लो लगाया। ये हो गई आज की बात, जिसमें आप देख सकते हैं शेयर में हमें आज तेज़ी देखने को मिली और ऑलमोस्ट 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी हमें इसमें देखने को मिली। 7.10 रुपये अपने शेयर के प्राइस में इसने आज ऐड किए। बीते एक महीने की बात करें तो आप देख सकते हैं एक महीने में 11% की तेज़ी हमें इसमें देखने को मिली है और ऑलमोस्ट 20 रुपये अपने शेयर के प्राइस में इसने ऐड किए हैं। यानी जो शेयर का प्राइस था वो इससे भी नीचे जा चुका था, लेकिन कंपनी अब रिकवर कर रही है। बात करें हम इसके एक साल की, तो एक साल में हम देख पाएंगे कंपनी थोड़े से लॉस में और 4% की गिरावट इसमें हमें देखने को मिल जाती है। बीते 5 साल की बात करते हैं, 5 साल और मैक्सिमम एक ही बात है क्योंकि कंपनी 2019 में ही लिस्टेड हुई थी। तो मैं आपको दिखाऊं, देखो जिस बंदे ने भी सही समय में इसमें इन्वेस्ट किया होगा ना, उसने अच्छा खासा रिटर्न इसमें बना लिया होगा। क्योंकि आप देख सकते हो कंपनी, यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देखोगे ना तो कंपनी ने 1600-1700% का भी रिटर्न दे रखा है बनाकर, ठीक है। लेकिन कंपनी फिर से इस बार नीचे, ये देखो कोई भी अच्छी कंपनी होगी ना, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो देखो 2020 में तो कोरोना था, जब अच्छे अच्छे शेयर गिर रहे थे ना तो ये नहीं उठ सकता था, ठीक है, उसी वजह से उस टाइम पे इसकी सेल भी कम रही थी। लेकिन अब की बात करें तो देखो उस टाइम से 2021 से इसने शेयर ने उठना चालू करा, रिकवर करना शुरू करा और उसके बाद से लगातार कंपनी ऊपर ही जाती रही है प्रॉफिट में। अब जो भी अच्छी कंपनी होती है ना, यानी जो फेक प्रोपोगंडा नहीं होता, वो डेफिनेटली शेयर कुछ ऊपर जाने के बाद जरूर थोड़ा सा नीचे आता है, उसमें ब्रेकआउट होता है और वो ब्रेकआउट जब होता है ना, जब वो रिकवर करती है इससे, तो वो अपने पुराने हाई को डेफिनेटली तोड़ती है। वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कंपनी काफ़ी अच्छी है और जो इसका प्राइस गिरा ना, देखो कॉटन के प्राइजेस की वजह से कुछ करेक्शन हुआ इसमें, बस यही कारण है इसके प्राइस गिरने का। अदरवाइज इसके फंडामेंटल्स और इसके जो नंबर्स हैं ना, उनकी वजह से आप समझोगे अभी तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर्स और फंडामेंटल्स कंपनी के कितने तगड़े हैं। बात करें इसकी फंडामेंटल्स की, तो आप देख सकते हो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 370 करोड़ की है। कंपनी का स्टॉक पी 3.15 है। स्टॉक पी जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है। कंपनी की ROCE 42% है, जो कि बहुत अच्छी है और कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 50% है, जो कि एक बहुत ही अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी है। करंट प्राइस बात करें कंपनी का 198, कंपनी का एक साल का अधिकतम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 386 और एक साल का न्यूनतम 140 रुपये है। कंपनी के कुछ प्रोज की बात करें तो देखो, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर, कंपनी एक और अच्छे क्वार्टर देने की उम्मीद हम रखते हैं। 3 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद बात करते हैं हम इसके ईयरली रिजल्ट की। देखो कंपनी 2019 से लिस्टेड हुई थी, 2018 का डाटा तो नहीं होगा डेफिनेटली, मार्च 2019 में कंपनी जिस टाइम पे लिस्टेड हुई थी उस टाइम पे अच्छी खासी कंपनी की सेल हुई और 668 करोड़ की सेल कंपनी ने 2019 में करी। कंपनी की सेल 2020 में गिरी, क्यों गिरी सबको पता है, कोरोना। उसके बाद मार्च 2021 में कंपनी वही कोरोना से इफेक्टेड रही, लेकिन मार्च 2022 में कंपनी ने अच्छा खासा रिकवरी करी और 909 करोड़ की सेल कंपनी ने करी है, ठीक। और अगर पिछले 12 महीने का कंसेक्यूटिव डाटा देखें तो 977 करोड़ की सेल कंपनी ने करी है। इस चीज़ को हम प्रॉफिट में देखें तो आप देख सकते हो 2020 में 4 करोड़ 2021 में 31 करोड़ वही कोरोना वाला हाल इफेक्टिव रही कंपनी, लेकिन जो 2022 में कंपनी ने रिकवर करा और बहुत तगड़ी रिकवरी करी है, 123 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट गेन किया है। यानी कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है। वो 2019 में गलत टाइम पे लिस्टेड हो गई, कोरोना की वजह से इफेक्टेड हुई, इस वजह से वो अब तक इस प्राइस पे है, वरना ये बहुत ऊपर जा चुकी होती। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपॉर्चुनिटी अभी भी बहुत ज़्यादा है। कंपनी के रिजर्व की बात करें, 288 करोड़ का कंपनी पे रिजर्व और 156 करोड़ का कर्ज है। देखो कर्ज की भी एक बार आपको बात बताऊं, एक तो जो इसका रिजर्व है
वो कर्ज से बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली हमें इसके जो डेब्ट है उसे हम डेब्ट फ्री ही कंसिडर करेंगे। लेकिन जो थोड़ा बहुत इस पर कर्ज है भी ना, वो भी आप देखोगे तो जो इसका रिजर्व है वो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, रिजर्व बढ़ रहा है, और जो कर्ज है वो लगातार घट रहा है, ठीक है। ये बातें नोटिस करने वाली होती हैं, लेकिन अब भी रिजर्व इतना ज़्यादा है ना कि हम इसे डेब्ट फ्री ही कंसिडर करेंगे। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम देख लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम देखें तो आप देख सकते हैं कंपनी जो जून 2022 के नंबर से आए थे उसमें प्रमोटर्स की संख्या लगातार अच्छी बनी हुई है, और 50.08 की इसमें हमें प्रमोटर्स की होल्डिंग देखने को मिल जाती है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की इसमें 1.28%, एक 200 रुपये के स्टॉक जो है उसमें 1.28 फॉरेन इन्वेस्टर्स, अच्छी खासी हमें संख्या इसमें देखने को मिल जाती है। DII डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की इसमें ऑलमोस्ट हमें 6% की होल्डिंग देखने को मिल जाती है। बात करें इसमें आप देख सकते हो 56% तो मैं कहूँगा कि प्रमोटर्स FI और DII की ही होल्डिंग है, यानी पब्लिक की इसमें केवल 44% की होल्डिंग है। तो कंपनी के जो नंबर्स हैं ना, चाहे वो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हो, चाहे कंपनी की सेल हो, चाहे कंपनी की प्रॉफिट हो, हर चीज़ कंपनी की काफ़ी तगड़ी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो इसका शेयर का प्राइस गिरा है वो केवल कॉटन के प्राइसेस में जो करेक्शन हुआ है उसकी वजह से शेयर का प्राइस गिरा था, और जो 2019 या 20 में कोरोना आया था उसकी वजह से कंपनी थोड़ी इफेक्टेड हुई थी। जो अब शेयर का प्राइस गिरा वो डेफिनेटली जो कॉटन के प्राइस में करेक्शन हुआ उसकी वजह से गिरा है। अब हमें इसमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, देखो मैं बार बार बता चुका हूँ जो प्राइस है वो आपके लिए वर्थ इट है, ठीक है, प्राइस आपके लिए वर्थ इट है, आपको इसी प्राइस पर ख़रीदना है। अगर आपका जो करंट प्राइस है वो अपना 199 रखते हैं आप, तो आपको जो इसका टारगेट रखना वो क्या रखना है, देखो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो इसका टारगेट है ना वो जो इसका मैं कहूँगा, देखो इसका जो 52 वीक हाई है वो अब इसके करंट प्राइस से बहुत ज़्यादा आ गए, यानी ऑलमोस्ट मैं कहूँ 187 रुपीज़ ज़्यादा है इसके अभी के प्राइस से। तो आपको इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, डेफिनेटली शेयर इसको तोड़ देगा इस वाले प्राइस को। लेकिन अगर आप एक साल के लिए भी देखना चाह रहे हैं ना, एक लंबे समय के लिए निवेश नहीं करना चाह रहे, देखो लंबे समय में तो ये 500 भी तोड़ेगा, ये शेयर 500 प्लस भी जाएगा लंबे समय में, लेकिन अगर आप एक साल के लिए देखना चाह रहे हैं ना, तो डेफिनेटली शेयर अपने इस पुराने हाई को तोड़ता हुआ नज़र आ सकता है, जिसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। मैंने आपको इसकी सेल्स दिखाई, सेल्स काफ़ी तगड़ी कंपनी की हो रही हैं, प्रॉफिट भी कंपनी काफ़ी तगड़ा जनरेट कर रही है, कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है प्रमोटर्स का भी काफ़ी तगड़ा पैसा इसमें लगा हुआ है। इसी इन सब बातों से कह रहा हूँ मैं, शेयर 500 रुपये का प्राइस कंपनी के लिए कुछ नहीं आने वाले एक डेढ़ साल में। लेकिन अगर आप फिर भी आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं, तो कंपनी पुराना हाई जो है 386 का, उसे डेफिनेटली कंपनी तोड़ती हुई नज़र आ सकती है। अब देखो इसमें आपको करना क्या, आपको जिसका टारगेट रखना है ना, आपको इसका जो टारगेट है वो आप इसका 52 वीक हाई ही रखना है, ठीक है ना, यानी 386 रुपये, या आप कह सकते हैं 400 रुपये का आप टारगेट इसमें लेकर चल सकते हैं इस शेयर के प्राइस में, यानी ऑलमोस्ट 100% रिटर्न आपको एक साल में मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है इसमें बन रही है। आपको SL कितने का लगाना है, ठीक है, आप इसमें 170 रुपये का SL लगाकर जरूर काम करें। देखो शेयर कितना ही भी अच्छा हो, कोई भी शेयर हो, चाहे रिलायंस का हो, चाहे अडानी का हो, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग शेयर हो, SL जरूर लगाया करो, अपना रिस्क है मिनिमाइज़ करके चला करो, जितना रिस्क मिनिमाइज़ कर सकोगे उतना ही मार्केट में अच्छा पैसा कमाओगे, कम लॉस खाओगे। तो ये कुछ जानकारियाँ थी, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी अपनी स्टडी ज़रूर ऐड कर लेना इसके बारे में। अपनी स्टडी ऐड करने से क्या होता है, एक अच्छा डिसीजन आप इसके ऊपर अपना बना सकेंगे। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि अन्य आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन समय रहते हम आपको दे सकें। धन्यवाद।